गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल LOL। मैंने कल बोला था कि आज का ब्लॉग बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का ब्लॉग घर में नहीं होने वाला। आज हम बाहर जा रहे हैं, बाहर मतलब ऐसा लोखंड वाला या फिर अंधेरी नहीं, हम जा रहे हैं राजस्थान यानी कि उदयपुर। मेरा इवेंट है आज का और गोला सब जा रहे हैं। आपको भी पता, मुझे और हर्ष को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और हमारे अब तो गोले को भी ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, ही इज अ ट्रैवलर। तो अभी फिलहाल ट्रैवलर सो रहा है। ओए रब्बा, सो रहा है। तो चलिए अब मैं इन दोनों पे तरस नहीं खाऊंगी, क्योंकि हर्ष का शूट है और गोले की फ्लाइट है मेरे साथ, तो ये उठना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बहुत लेट करते हैं। हर्ष उठ जा बेटा, गोले अपने पापा की तरफ ही घुसी जा रहा है उधर। चलो गोलू उठ जाओ। मम्मा पापा, ये पहला बच्चा है जो अपने बाप की तरफ, मेरे को पता चल गया ये अपने पापा को ही प्यार करता है। पापा को ही, पापा बोले मम्मा मम्मा मम्मा। तो चलिए तैयारी करते हैं। यार मैं ना हर्ष का खाना बना के आई, तो मुझे पसीना था, तो मैं कहा नहाना नहीं अभी, तब तक वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज फुल मस्ती धमाल होने वाला है, क्योंकि आज हमें बहुत गर्मी लगने वाली है। हम राजस्थान जा रहे हैं, उदयपुर उतर के आगे और जाना है। बाय पापा, चलो गोले, हमने शूटिंग पे नहीं जाना पापा के साथ, हम तो जा रहे हैं। चलो 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 चलो, पापा बाय कर दो, बाय। गोले को छीन लो उसके पापा से। माँ ज्यादा प्यार करती है ना दादा, बाप से ज्यादा माँ करती प्यार के, बाप दोनों करते हैं। आप भी एक बाप हो? कितने बच्चों के? एक बच्चे का। क्या है, लड़की लड़का? लड़का है। हाउस स्वीट किधर है? गांव में। मेरा बच्चा देख के आपको बच्चे की याद आ गई? हाउस स्वीट। यार कोई बात नहीं, आपका बच्चा भी जल्दी आ जाएगा, इधर बुला लो फटाफट। हाँ काम करके इधर घर ले लो और बुला लो। और आप भी सर काम करके बड़ा घर लो और अपनी बीवी और बच्चे को उधर बुलाओ। ये मैं नहीं कह रही, ये इनके मन से आवाज आ रही थी। तो गाइस ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बाय बाय कर रही हूँ। 10:30 आ जाओ, दो कर दी कल की। बाय दादा, ध्यान रखना, लड़की वड़की के साथ ना रोक घूमे। चलो पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। राजू दादा पता नहीं क्यों भड़का हुआ है सब पे, लगता बीवी से कोई लड़ाई करके आया। क्या हुआ दादा? गाँव में फिर होगा राजस्थान की रेत में मस्ती है? और ये लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, वेरी बैड यार। अगर आप हमारी बातें नहीं सुन रहे होते ना, तो आपके मुंह पे स्माइल नहीं होती, इसीलिए आप हमारी बातें सुन रहे हो। और हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं हिमेश सर, मेरा कॉमेडी का शो है इनका सिंगिंग का, लेकिन गाने का गो भी नहीं आता ये वाले हिमेश सर को, ये खाने से है। सुबह लाउंज में आई हूँ सब लोगों के साथ और मैंने बोला कि खा लो, आगे 2.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन किसी को कोई फर्क, वो ऊँट होते हैं ना, खा लेते हैं और फिर कई कई महीने पचाते रहते हैं। हमारे साथ लाउंज में खाना कौन खा रहे हैं? श्री राम है। वो आपने गाना सुना है? आपने तो बहुत बार सुना, उबलमा, ये वो सिंगर है। तब से ये 5 ग्रेड पे लग गए हैं, मेन हेड है बॉम्बे के। और खा रहे हैं, मुझे भूख नहीं थी बट इनकी प्लेट इतनी भरी देख के मुझे लग रहा कि ये डिनर तक रात का भी कर रहे हैं। गाइस आज मेरा गोल्डन डे है, मैं जिनको इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, ये सॉरी ये आपका जो मराठी गाना है ना, कौन सा वाला? बहुत अच्छा, ऑल द वेरी बेस्ट। एक तो गोला को देख के मेरा दिल एकदम खुश हो गया। ओह माय गॉड, व्हाट अ लवली लिटिल। सच में मुझे आपका भी गोला जल्दी मिल रहा है। मम्मी भी बहुत क्यूट है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। बाय बाय बाय। श्रीराम आप नहीं जा रहे? अभी मेरा बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। कैसे जाऊंगा मैं थोड़ी देर में? अच्छा प्राइवेट जेट। सो दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग हम अपनी हेल्प के लिए लेके जाते हैं ट्रैवल पे, और हमें जब लाउंज में आके पता चलता कि वो बंदा किसी काम का नहीं है, ना वो आपका बैग का ध्यान रखना, ना आपका वो बच्चा पकड़ रहा है, तो कभी कभी पछतावा होता है। लेकिन अब वो बंदी ने आके लाउंज में खा भी लिया, तो उसको निकाल नहीं सकते। अब ये बंदी पूरा हमारे साथ जाएगी। माय
गाइस ये बच्चा कितनी बेइज्जती करवा रहा है, वो लोग खा रहे हैं और ये इनको देख रहा है। सॉरी, हमारा बच्चा आपका खाने पे नजर लगा रहा है, चलेगा? आप लोग जब से खाना खा रहे हो ये देख ही जा रहा है। सो गाइस हम उदयपुर में पहुंच चुके थे 2 घंटे पहले, अब हम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, शिवगंज, जहाँ पे हमारा शो है ना। और अभी गोला भी इरिटेट हो रहा है, उसको गाड़ी से नीचे उतारो ऐसा हो रहा है ना दीदी। और एक्चुअली दीदी ने पीछे छुप के उसकी पीठ के पीछे स्प्राइट पी है और उसको पता चल गया था, और दीदी उसको बोल रही नहीं नहीं मैंने दवाई खाई। अरे वो भारती सिंह का बच्चा है, उसको पता है। हेलो जी, हम पहुंच गए और हमको लग रहा है कि हम किसी टेंटों में हैं, लेकिन ये 5 स्टार हैं, बहुत अच्छे हैं। और पायल का मेरा दूसरा शो है राजस्थान में, और बस कुछ नहीं, बाहर अंधेरा है, थोड़ा जंगल में डर लग रहा है, बट बहुत एक्साइटेड है क्योंकि पूरा गांव आने वाला है शो देखने। आज पूरे गांव के सामने होगा शो कॉमेडी का। यस, बहुत एंजॉय करेंगे हम लोग, बहुत। और सेकंड टाइम मिल रहे हैं सच में, जो चाह है वहाँ राह है, तो मैं चाह रही थी कि दोबारा हम लोग साथ में मिले। और हमारी सेम चीजें मिलती है, मेरा भी एक बेटा है, इसका भी एक बेटा है, मेरा भी एक पति है, इनकी भी एक पति है, मेरी भी एक माँ है, इनकी भी एक माँ है, सब एक एक रखा हमने। और दूसरा साथ में प्लान करेंगे बेबी। अच्छा, मैं लगा, मुझे लगा कहती पति। नहीं नहीं, बेबी नॉट पति। हाँ, पति एक ही अपना, ठीक है पति। ये लड़का अच्छा निकला मेरे वाला, तुम्हारा? हाँ सही है मेरा, सही है। अगर बताओ खराब है तो दिवाली पे वापस करके नया ले। काम चला लूंगी मैं, चला लेंगे, चल मैं भी कर लूंगी यार, ठीक है, देखा काम चला रहे हैं हम। सो गाइस हम इवेंट पे जा रहे हैं, लेकिन भैया शिवगंज में मुझे लगता है ऐसे 10-15 ही लोग है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ यहाँ पर मैंने लोग ही नहीं देखे। दादा कहाँ है, शो पे वेट कर रहे हमारा, तो चलते हैं फिर, चले चलिए। सो ये है शिवगंज की ऑडियंस। सो हाय गाइस, जितने भी ये लोग ब्लॉग देख रहे हैं, मैं इस वक्त राजस्थान में शिवगंज में हूँ, और यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है, इतनी प्यारी ऑडियंस है, और 12 बजने आए लेकिन सब लोग यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं। देखो, हाय कर दो, The next day. Good morning guys, रात को शो हो गया, आपने वीडियो देखा होगा अभी। यार कितनी प्यारी ऑडियंस है शिवगंज की, मतलब सबको फोटो खिंचाना था लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि 20-30 हजार लोग थे, मतलब कि गांव था पूरा। और बहुत बहुत अच्छे से स्वागत किया, ये फूल भी मिले, और बहुत, और क्या था, बहुत अच्छा हुआ। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये टेंट है, ये देखिए हम जंगल के बीच में हैं, और ऊपर, हाय रूपा दीदी। सो गाइज हम फटाफट जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कल ऑडियंस में जब परफॉर्म कर रही थी तो इतने लोग मेरा, हर्ष का और गोले का फोटो लेके ऐसे ऐसे दिखा रहे थे। गाइस ऐसे लग रहा था कि भारती सिंह नाइट है, जो ऐसा कभी होती नहीं है, मतलब हम लोग तो सारे एक साथ ही परफॉर्म करते हैं, बट मज़ा आ गया। जिन जिन से मैं फ़ोटो ले सकी मैंने पास जाके ली, लेकिन कुछ लोग बहुत दूर थे, तो अगर वो व्लॉग देख रहे हो तो आई एम सो सॉरी। लास्ट में शो सब अच्छा हो गया तो हैप्पी हूँ मैं, लेकिन मैं आपको एक बार जगह भी दिखा देती हूँ, ये देख। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ दादा, मैं सुबह जब यहाँ पे उठ के आई तो वहाँ पे 2 मोर थे, और मैं आई तो मोर भाग गए।
ऐसा होता है क्या, हाथी आए तो मोर भाग जाते हैं। सो चलिए हम रेडी हैं मुंबई जाने के लिए। और यार वो फोटो दिखाने थे जो मिले थे, लेकिन वो बैग में पैक कर दिया राजदादा ने, तो मैं आपको बॉम्बे जाके दिखाऊंगी या फिर कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।